अपनी योजनाओं को मॉडल बना दिया और दूसरे राज्यों ने उसकी कॉपी करी। आपको पता है हमारी विरोधी सरकारें जहाँ हैं, जैसे आज क्या नाम है उसका, आप, उनने भी हमारी सरकार की कई योजनाओं की कॉपी करी है। मेरी इच्छा है कि शराब नीति के मामले में भी मध्य प्रदेश मॉडल स्टेट बने, जो मेरे को लगता है शिवराज जी के मन में है, और बी डी शर्मा जी और हम भी आपस में ये परामर्श करते रहते हैं। अब बोलो क्या कह रहे हैं। कमलनाथ जी ने बोला है कि राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, तो उनकी पार्टी का मसला है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। आपको लगता है कि उनका बयान सही है? नहीं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर आपको पता ही नहीं है, एक धरती पछाड़ थे, वो हर जगह चुनाव लड़ते थे। हाँ, धरती पछाड़ नाम था उनका, सॉरी धरती पकड़। हाँ, तो वो तो हर जगह, वो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी लड़ते थे, मुख्यमंत्री के खिलाफ भी लड़ते थे, तो इसलिए वो सोचते थे मुझे प्रधान। तो धरती पकड़ जब हर जगह चुनाव लड़ता था तो होने दीजिए ना, उसमें क्या फर्क पड़ता है, लोग अगर सोच रहे कितना फायदा मिलेगा भारत जोड़ो यात्रा। ये तो आकलन आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। हम लोग तो, मेरे को तो यही समझ में नहीं आया कि भारत जोड़ना क्यों, क्योंकि टूटा कहाँ से है। जोड़ने की बात तो तब आएगी ना, कहीं टांग टूटी तो प्लास्टर चढ़ाओ, तो मतलब टांग टूटी उसका एक्सरे होगा, फिर कहाँ टूटी, तो एक्सरे के बाद में जोड़ेंगे ना उसको। तो पहले ये तो बताओ कि भारत टूटा कहाँ है। टूटा है जब पाकिस्तान बना, तो वो तो राहुल गांधी के नाना के समय पर टूटा है, नाना या दादा, दादा के समय पर टूटा है। हाँ, दादा के समय पर टूटा है, जवाहरलाल नेहरू जी के समय पर। और हमने तो जोड़ लिया टूटे हुए को, 370 धारा हटा दी हमने, तो हम तो जोड़ने का काम कर रहे हैं एक्चुअली। जब हमें शाह जी ने गृहमंत्री होने के बाद धारा 370 हटाई, तो जोड़ने का काम हमने किया। अब अगर राहुल सिंसियर हैं कि भारत जोड़ो, तो एक चीज़ जोड़ना बहुत ज़रूरी है, वो है पाक अधिकृत कश्मीर। इसलिए मैं बैतूल से ही आपके माध्यम से राहुल जी को संदेशा भेजती हूँ कि भारत जोड़ने में एक चीज़ अभी शेष है, और वो है POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो कृपया इस यात्रा को वहाँ तक ले जाइए और उसको जोड़ के ही वापस लौटिएगा, नहीं तो मत लौटिएगा, इधर उधर ही रहिएगा।